60 पाकिस्तान के पास 120 और भारत के पास है 110 परमाणु यानी कि एटम बम। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के पास भले ही भारत से 10 परमाणु बम ज्यादा है मगर जहां तक दूरी की बात है तो पाकिस्तान 1300 किलोमीटर दूरी तक ही बम गिरा सकता है जबकि भारत की मारक क्षमता इससे काफी ज्यादा है। भारत 5000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम बरसा सकता है यानी भारत के परमाणु बम की जद में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। भारत की पाकिस्तान से तुलना करना ही भारत की ताकत का अपमान है। हर कोई यह जानता है कि भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता परंतु ताकतवर देश के मामले में चीन से भारत की कांटे की टक्कर है। चीन के पास 23 लाख सैनिकों की फौज है तो भारत के पास ऐसे 6 अचूक हथियार हैं जिनको लेकर ड्रैगन भारत से भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। यह है भारत के अचूक हथियार जिनसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी कांपता है। तेजस सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की पांचवी पीढ़ी के विमानों में भारत की ओर से विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील तकनीक से लैस यह विमान भारत की हर जरूरत को पूरा करेगा जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों के उपयोग के लिए है। यह हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है जिसे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकता। अग्नि पांच भारत की सबसे दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होने के साथ एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है। अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का परीक्षण किया गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी जद में पूरा चीन आ जाता है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है जिसे बढ़ाकर 7000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल महज 290 किलोमीटर तक ही वार करने में सक्षम है लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में यह दुनिया की उन गिनी चुनी मिसाइलों में से एक है जिसे जल थल वायु कहीं से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होने का तगमा भी प्राप्त है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आती और पलक झपकते ही दुश्मन के निशाने को नस्तनाबूद कर सकती है। यह मिसाइल सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ने की भी क्षमता रखती है। AN-32 विमान वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है और इन्हें 1984 से 1990 के बीच वायुसेना में शामिल किया गया था। इन विमानों की अब तक केवल 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। वैसे ये विमान रूस के बने हुए हैं जिसमें 2 इंजन होते हैं। यह विमान हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल हर तरह के मैदानी पहाड़ी और समुद्री इलाकों में किया जाता रहा है चाहे वो सैनिकों को पहुंचाने की बात हो या सामान को ढोने की। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि यह किसी भी तरह के मौसम में रात को भी लड़ाई में काम आ सकते हैं। यह 1 मिनट से भी कम समय में एक साथ 128 लक्ष्यों पर नजर रखता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में टर्बोसॉफ्ट इंजन लगे हैं। इसका वजन 5165 किलो है जिसमें 2 सीटें हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेलीफायर लगे हैं और साथ ही इसमें मौजूद हैं 70 हाइड्रा रॉकेट पॉड्स। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करता है। यह पाकिस्तान या चीन की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को शील्ड देगा। भारत ने रूस से ऐसे 5 सिस्टम खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट 33,000 करोड़ रुपए है। इस सिस्टम से 3 तरह के मिसाइलों को दागा जा सकता है। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों ड्रोन और यहां तक कि फाइटर प्लेन्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके पास अमेरिका की सबसे एडवांस फाइटर जेट F-3500 गिराने की भी कैपेसिटी है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है फिर भी भारत के इन हथियारों को देख ड्रैगन भारत से कांपता है। भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे टकराने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। मुझे गर्व है कि मैं एक बेहद ताकतवर देश भारत का नागरिक हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पड़ोसी मुल्क की आवाम तक को भारत की ताकत के बारे में पता चल जाए।
जय हिंद, वंदे मातरम।